स्वागत है। जय हिंद। आज हम जो है इंटरमीडिएट काव्य में कुछ पढ़ाएंगे और ये पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने मेरी वीडियो बहुत पसंद किया और आगे भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आइए यहाँ पर देखते हैं। सूखी जाती मलिन लतिका, सूखी जाती मलिन लतिका, जो धरा में पड़ी हो तो पांवों के निकट उसको श्याम केला गिराना, यूं सीधे से प्रकट करना, यूं सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचित हो मेरा होना अति मलिन हो, सुखते नित जाना, कोई मेरा होना अति मलिन हो, सुखते नित जाना, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के द्रग युगल के सामने लाऊ से ही, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। तो यहाँ पर बच्चों जो है पहला क्वेश्चन बनता है कि राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई, राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने के लिए कहती है। राधा ने हवा से पवन से लता को क्या करने के लिए कहती है। छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर आप लोग तैयार कर लो कि राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई जो लता है उसको श्री कृष्ण के पांव के पास गिरा देने को कहती है। राधा जी हवा से ये कहती हैं कि अगर कोई सूखी लता वहाँ पड़ी हो तो उसको हे हवा उसको उड़ा करके ले जाना और भगवान कृष्ण के पैरों में चरणों के नीचे डाल देना। इसलिए अगला क्वेश्चन बन रहा है कि सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं। तो बच्चों सूखी लता से राधा कृष्ण को यह संदेश देना चाहती हैं कि मैं प्रेम से रहित होकर, मैं भगवान कृष्ण के प्रेम से रहित होकर किस प्रकार नित्य ही सूखती तथा मलिन होती जा रही हूँ। जैसे लता जो है रोज सूख रही है और मुरझा रहे, उसी तरह से हम भी भगवान कृष्ण के प्रेम के बगैर सूख रही हूँ और मुरझा रही हूँ। तो यहाँ पर राधा जी लता के माध्यम से यही संदेश जो है दे रहे हैं पवन के द्वारा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों कि पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है। तो पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का मतलब है, राधा का अभिप्राय यह है कि मैं भी प्रोसित पति का नायिका के समान पीली पड़ती जा रही हूँ। अब बच्चों एक बात और यहाँ पर, प्रोसित पतिका किसको कहते हैं। देखो प्रोसित पतिका, अगर कोई स्त्री है और उसका पति परदेश चला गया, तो उस स्त्री को जो है प्रोसित पतिका कहते हैं। तो यहाँ पर भी राधा जी कह रही हैं कि पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का अभिप्राय यह है कि मैं भी प्रोसित पतिका नायिका की समान पीली पड़ती जा रही हूँ, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है ब्रज और गोकुल को छोड़ करके मथुरा चले गए। तो राधा जी अपने को प्रोसित पतिका जो है कह रही हैं, कवि के माध्यम से कवि यहाँ कह रहा है राधा को प्रोसित पतिका। और प्रोसित पतिका उस स्त्री को कहते हैं जिसका पति परदेश चला गया हो और उसके वियोग में वो औरत दुखी हो। अब भैया कहो क्या, आदमी जो है परदेश चला जाएगा तो औरत दुखी तो रहबे करी वही के बगैर। तो यहाँ राधा जी के लिए प्रोसित पतिका नायिका की तरह कवि जो है हरिओद उपाध्याय सिंह हरिओद ने प्रयोग किया है। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि उपर्युक्त पद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो भैया जहाँ जहाँ चीज जिस लाइन की रेखा नीचे
जिस जिस लाइन के नीचे रेखा है हम खाली उसी की व्याख्या करेंगे, पूरे जो है चैप्टर को का पूरे टॉपिक का नहीं व्याख्या करना। तो अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ किस लाइन के नीचे रेखा है। तो देखिए, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, अपील होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। तो भैया इस लाइन का जो है हमें व्याख्या करना है। अब इस लाइन की व्याख्या करने के लिए हमको हेडिंग डालना पड़ेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जब रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल लेंगे तो उसके आगे लिखेंगे कि राधा कहती है कि हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो तो उसे प्रिय के सामने, किसके, भगवान कर्ण के सामने धीरे से रख देना और उन्हें बताना कि उसी प्रकार मैं, कौन, राधा, मैं राधा भी प्रोषित पति का, यानी जिसका पति परदेश में चला जाए उस औरत को प्रोषित पति का कहते हैं, प्रोषित पति का नायिका के समान पीली पड़ती जा रही हूं। यह इसकी व्याख्या हुई। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है कि पाठ का शीर्षक तथा रचयिता के नाम का उल्लेख कीजिए। तो यहां संदर्भ नहीं लिखना है, जो पूछे क्वेश्चन में उसी का आंसर दो। ज्यादा घीमा जेमा जो है रोटी में ज्यादा घी ना चुपरो, जितना पूछा जाए उतने बताओ। तो यहां पर जो है आप लोग शीर्षक डाल दो और इसके बाद कवि का नाम लिख दो। शीर्षक के सामने लिख दो पवन दूतिका और कवि का नाम लिख दो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हो गया। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त उद्धरणों में व्यक्त रस का नाम लिखकर उसके स्थाई भाव का उल्लेख कीजिए। अब बच्चों यहां पर उत्तर में लिखना कि प्रस्तुत उद्धरण में वियोग श्रृंगार रस है तथा इसका स्थाई भाव रति है। भैया देखो, श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस और एक वियोग श्रृंगार रस। जब नायक और नायिका साथ में हो तो वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है, और जब नायक अंते हो और नायिका अंते हो तो वहां पर जो है वियोग श्रृंगार रस होता है। और लेकिन सबका जो है स्थायी भाव रति ही होता है, दोनों में स्थायी भाव रति होता है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोसिता सा में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों उत्तर में लिख देना प्रोसिता सा में उपमा अलंकार है। जहां पर तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाए वहां उपमा अलंकार, जैसे तुल्य, सा, जैसे, तैसे, है ना, समान, इसमें जो है उपमा अलंकार होता है। इसी को अंग्रेजी में सिमिली कहते हैं, और जहां पर तुलनात्मक शब्द ना हो वहां पर रूपक अलंकार कहते हैं, अंग्रेजी में या मेटाफर जो है कहते हैं। इसके बाद बच्चों राधा सूखी और मलिन लतिका के माध्यम से पवन दूतिका के द्वारा क्या संदेश दिलाना चाहती है। राधा सूखी और मलिन लतिका के माध्यम से पवन दूतिका के द्वारा क्या संदेश दिलाना चाहती है। तो यहां पर राधा सूखी और मलिन लतिका के माध्यम से पवन दूतिका के द्वारा यह संदेश देना चाहती है कि राधा भी आपके, किसके, कृष्ण के, आपके वियोग में सूखती और मलिन होती जा रही है। धन्यवाद बच्चों। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप अपनी हिंदी मजबूत करो, जिससे आपके बोर्ड पेपर में जो है हिंदी में अच्छे नंबर आए। आप पूरे यूट्यूब में जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ वैसे कोई लिख करके नहीं देगा, सभी लोग अर्थ खाली बता देते, लिख करके हम देते हैं, आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। आप लोग ऐसे ही प्रश्नों के जवाब देना, ऐसे ही लिखना, क्योंकि आप छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले संदर्भ व्याख्या प्रसंग काव्य का सौंदर्य नहीं पूछा जाता, इंटर में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।